स्नेहिल नाली संस्थान के तत्वावधान में कोविड 19 की वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन राजेंद्र नगर स्थित एक मैरिज हॉल में किया गया। वैक्सीनेशन कैंप में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं एवं पुरुषों को टीकाकरण किया गया, जिसमें इसके पहले लगाए गए कैंप में प्रथम डोज लेने वाले नागरिकों को दूसरा डोज भी लगाया गया, जिसमें 65 लोग शामिल रहे। इसके अलावा 35 लोगों को प्रथम डोज लगाया गया। जिला अस्पताल के प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर एन के पांडे के निर्देश पर टीकाकरण कैंप लगाया गया, जिसमें वैक्सीनेशन की जानकारी नहीं होने वाली महिलाओं तथा ग्रामीणों को टीका लगाया गया। इस मौके पर संस्थान की संयोजिका विमला श्रीवास्तव, अध्यक्ष पुष्पा वर्मा, सचिव सुमन श्रीवास्तव, पद्मा सिंह, मधु सिंह, रीना निशा, मीडिया प्रभारी सीमा पांडे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्थान के अध्यक्ष पुष्पा वर्मा ने कहा, और मुन्ना वो दोनों पुष्पा वर्मा, इसलिए कि बहुत सारे हम लोगों के घर में काम करने वाली या अगल बगल के अशिक्षित लोग हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे थे और न उनको वैक्सीन लग पा रहा था, तो इसके लिए हमारी संस्था ने सरकार के इस योजना में कि सबको वैक्सीन लग जाए, हम लोगों ने ये पहल शुरू किया और इसका फर्स्ट डोज 16 अगस्त को यहीं मधुर मिलन में ही लगवाया गया था। आज सेकेंड डोज उसका लग रहा है और जितने लोगों को उस दिन लगा था सबका आज ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरी संस्था के द्वारा इसका आयोजन इसी उद्देश्य से किया गया कि थोड़ा सा योग जनता का और सरकार के कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोग अपना योगदान दे सकें।